वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है और इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने 0 से 300 के फॉलोअर्स में ग्रो करा इन जस्ट 15 डेज। और जब मैंने कॉन्टेंट डालना चालू करा था 15-20 दिन पहले, तो तब मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस टाइप की ग्रोथ मिलेगी, इसलिए मुझे भी एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता थे कि कैसे हमने ग्रो करा। बट अब जब मैंने कुछ अपनी वायरल वीडियोस को एनालाइज करा, तो आई हैव मेड 5-6 पॉइंटर्स फॉर यू जो आपको जानने चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो वीडियोस वायरल गई। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जो सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, वो ये है कि आप सबका एक पर्सनल अकाउंट ज़रूर होता है। जैसे ये जिस अकाउंट पर मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करा, वो मेरा पर्सनल अकाउंट था 6-7 साल पुराना, जिस पर मुझे कुछ 1000-1200 लोग फॉलो करते थे। तो अगर आप भी एक कॉन्टेंट क्रिएटर है, तो अपने इसी पर्सनल अकाउंट को यूज़ करो वीडियोज़ डालने के लिए। बिकॉज जब आप एक नया अकाउंट बनाते हो, तो उस पर आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता, एंड यू नीड दोज इनिशियल फ्यू फॉलोअर्स जो आपके कॉन्टेंट के साथ एंगेज करें। इसलिए 0 से 100 या 1000 तक की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, तो उसी को आप चेंज करो एक क्रिएटर अकाउंट पे और उसी पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। और इसमें सबसे बड़ा हर्डल लोगों के दिमाग में जो आता है, वो ये आता है कि हम अगर अपने पर्सनल अकाउंट को ही चेंज करेंगे, तो उस पर हमारे रिश्तेदार हैं, उस पर हमारे दोस्त हैं, वो क्या सोचेंगे, क्या ये, सो मैनी थिंग्स। बट अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, एक क्रिएटर को हमेशा बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होना पड़ता है, तो आप ये सब चीज़ों से नहीं रुक सकते कि वो 2-3 लोग क्या सोचेंगे। अगर उन लोगों की सोच सच में आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन्हें ब्लॉक कर दो। बिकॉज कोई भी आपके कॉन्टेंट की जर्नी में अगर हर्डल है, तो वो हर्डल हमें हटाना है। ऑल्सो अगर आपको 0 से ही कोई अकाउंट स्टार्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप बहुत ज़्यादा एंगेज करो अपने नीश के और क्रिएटर्स के अकाउंट से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंस नीश में कंटेंट बनाते हैं, तो आप एक लिस्ट बनाओ मे बी 50-60 क्रिएटर्स की जो सेम नीश में कंटेंट बना रहे हैं, और फिर आप हर रोज़ उनके पोस्ट पे वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ो। आप बस बड़े क्रिएटर्स से ही एंगेज मत करो, आप अपने नीश के छोटे क्रिएटर्स से भी एंगेज करो, माइक्रो क्रिएटर्स से भी एंगेज करो, क्योंकि फिर क्या होगा, एक रिलेशनशिप और एक बॉन्ड बनेगा जब वो आपके रील से एंगेज करेंगे और आप उनकी रील से एंगेज करोगे, विच कैन बी म्यूचुअली बेनिफिटिंग। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, मैंने एक नीड को समझा जो मार्केट में है, बिकॉज मैं देख रही थी कि बिजनेस के बारे में कोई भी लड़की इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रही है। बहुत सारे लड़के बिजनेस केस स्टडीज़ पे काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, बट उसमें लड़कियों का नंबर काफ़ी कम था। आई गेस ओनली 2 या 3 लोग ही मुझे दिखे जो इस टाइप का कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करा कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ऑफ ग्रोथ, इसलिए आई स्टार्टेड टेलिंग बिजनेस केस स्टडीज़। अब जैसे मान लो आप बहुत सारे टेक क्रिएटर्स को देखते होगे, वी हैव अ लॉट ऑफ टेक क्रिएटर्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर मेल क्रिएटर्स। तो जैसे अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको कुछ बताती हूँ कि टेक क्रिएटर्स में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो टेक के अराउंड रील्स बनाते हैं, बट लड़कियां हैं ही नहीं टेक नीश में। तो अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो यू कैन श्योरली मेक कंटेंट इन टेक नीश, बिकॉज वहाँ पर लड़कियां बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑल्सो स्किन केयर के अराउंड कितनी सारी लड़कियां कंटेंट बनाती है, बट कोई लड़के ज़्यादा है ही नहीं जो सोशल मीडिया पे अबाउट स्किन केयर, सेल्फ ग्रूमिंग, इस सब का कंटेंट बनाए। तो इफ अ गाय इज वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि इस नीश में अगर आप जाते हो, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई नीश बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड है तो आप उसमें मत जाओ। नीश आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से। बट स्टिल अगर आप एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो आपसे रिलेट भी करती है, और साथ में वो उसमें और ज़्यादा लोग नहीं है, तो इट कैन बी रियली बेनिफिटिंग फॉर यू। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, देखो ट्रेंड्स ना हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ चलती थी जिसमें एक इंसान एक करेक्टर प्ले करता है, देन वही इंसान दूसरा करेक्टर प्ले करता है, और एक कन्वर्सेशनल टाइप ऑफ वीडियो होती थी। बट आजकल वो वीडियोज़ थोड़ी कम चल रही हैं, इसलिए यू नीड टू इवॉल्व, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट इवॉल्व देन यू विल डिसॉल्व। इसलिए मैंने भी अब कुछ अलग ट्राई करने का सोचा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव लग रहा था। तो मैंने अपनी सारी रील्स शूट करी
मेरे एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में। इनफैक्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स इन्हीं चीज़ों के आते हैं कि मैं अपने पॉडकास्ट में बात किससे कर रही हूँ, बट एक्चुअली वो बस एक प्रोजेक्शन है जो मैं आपको दिखाती हूँ। बिकॉज जब हम पॉडकास्ट फॉर्मेट में आज के टाइम पे कोई भी रील डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव लगती है, और वहीं पर अगर वो एक करेक्टर प्ले या किसी अलग टाइप की फॉर्म में हो तो आई डोंट थिंक सो वो इतनी वायरल जाएगी। तो इसलिए आपको भी ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अभी ट्रेंड में क्या सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। तो अगर आप भी पॉडकास्ट फॉर्मेट में रील्स बनाना स्टार्ट करते हो तो इट विल रियली बी गुड। ऑल्सो टू आंसर द क्वेश्चन कि हमेशा मैं किससे बात करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मेरी वीडियोज़ में मैं साइड में देख के अपनी मम्मी को ही समझा रही होती हूँ, बिकॉज उनको मेरे सारे कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड कुछ रील्स एक्चुअली एक पॉडकास्ट का पार्ट होती भी हैं। सो या दैट इज़ वॉट आई से, गो एंड follow the trend which is going on, just see कौन से type का content ज़्यादा viral हो रहा है और उसी type का content बनाओ। अगर maybe ये video आज से 4-5 साल बाद कोई देख रहा हो तो मैं तो अब ये guarantee नहीं कर सकती कि podcast format में ही videos चल रही होंगी, but yeah अभी तो it's the trend। Coming to the next point, why I feel कि ज़्यादा videos viral गई, वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी captions को बहुत ही ज़्यादा personalized रखा। मेरी कोई भी caption आपको ChatGPT नहीं लगेगी, क्योंकि क्या होता है caption से आप एक personal connect बनाते हो। Plus जब भी मैं कोई वीडियो डालती थी तो मुझे जो भी 2-3 टॉप कमेंट्स लगते थे मैं उनको पिन जरूर करती थी, बिकॉज जब कोई पिन कमेंट देखता है तो कोई नया इंसान भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो इस कमेंट पे जरूर जाएगा, उसको लाइक करेगा, या अगर उस ओपिनियन से अग्री नहीं करता होगा तो रिप्लाई में डिसअग्री करेगा, बट उससे आपकी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है। तो आई वुड रिकमेंड कैप्शन आप खुद लिखो और अपने दिल से लिखो, जो आप सोचते हो वो लिखो। आपकी कैप्शन से आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, सबको पता लग जाता है देख के कि कैप्शन ChatGPT से लिखी है या किसी ह्यूमन ने लिखी है। सो आई वुड रिकमेंड use AI but use it in a very smart way so that nobody knows। Coming to the next point, I believe जो hooks मैंने videos में use करे they were really very powerful, because see human attention span 3-4 seconds का ही होता है when we talk about reels। एक बार उनके सामने video आती है उनको 2-3 seconds में कुछ click नहीं करता, वो तुरंत scroll down कर देता है। So I would recommend it to you कि आप ज़रूर अपने hooks पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, that first line is very important। Coming to the next point, हमें अपनी पर्सनालिटी हर वीडियो में दिखानी होती है। जैसे मैंने अपनी सारी वीडियोस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंडियनाइज सा इफेक्ट डाला, आई एम वेयरिंग अ साड़ी इन मोस्ट ऑफ माय वीडियोस, कैरिंग अ ब्लैक बिंदी, जिससे लोगों की रिलेटेबिलिटी मेरी वीडियोस के लिए बढ़ती है। सो आई एम शोइंग देम द सेम थिंग एवरी डे एंड टेलिंग देम डिफरेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी इंडियन वेयर पहनो या आप भी इसी में शूट करो, बट यू नीड टू फाइंड कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को लिफ्ट करती है। फॉर मी इट इज़ दिस साड़ी। तो आपकी पर्सनैलिटी को जो भी चीज़ करती हो आप उसमें वीडियो बनाओ, और एक कांस्टेंट चीज रखो। जैसे आपकी वीडियो में वो कांस्टेंट चीज कोई भी हो सकती है, जैसे मे बी इट कैन बी अ लाइन विच कैन बी अ कांस्टेंट थिंग, और मे बी यू आर वेयरिंग अ हैट विच इज कांस्टेंट इन एवरी वीडियो, बट एक चीज कांस्टेंट जरूर होनी चाहिए, उससे रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं लोग एक ही CTA यूज करते हैं कि आफ्टर दिस वीडियो फॉलो मी, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो, बट मुझे कुछ अलग करना था क्योंकि इस सबसे ना लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। तो मैंने अपनी हर वीडियो को बहुत ही अब्रप्टली एंड करा, इट मींस जैसे मैंने कोई सेंटेंस खत्म करा एंड ठक से वीडियो एंड हुई, एंड इन द एंड एक स्टैम्प के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ एंड द वीडियो एंड्स विद ठक एंड रिया उप्रेती। तो दिस इज द CTA विच आई थॉट जो काफ़ी अच्छा वर्क करा मेरे लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो कर रहे हैं, कि अगर सब लोग बोल रहे हैं कि लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, तो आप भी वो चीज़ करो। यू कैन ट्राई समथिंग यूनिक एंड समथिंग ऑफ योर ओन विच कैन डू वंडर्स फॉर यू। सो ये वो कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट ग्रो करा। अगर आपको भी कोई और रीजन्स लगते हैं जिस वजह से आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ हुई, तो वो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना। प्लस ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव बताया कि मैंने ग्रो क्यों करा, बट जल्दी मैं आपके लिए एक ऐसी भी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। बिकॉज सी व्हाट वर्क्ड फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू। ये सब बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मेरे लिए एग्जैक्टली काम करे, बट मैं आपको अगली वीडियो में कुछ जनरल पॉइंट्स बताऊंगी जो सब कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करने चाहिए टू गो वायरल और टू मेक वायरल वीडियोस। सो इफ़ यू नीड दैट वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर 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 बनाएंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई विल टेल यू इज कि कंटेंट, देखो जब आप कोई डिग्री पढ़ने जाते हो, जब मे बी आप इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो या एनी एक्सवाइज़ेड थिंग, तो आप उस चीज़ को 4-5 साल देते हो और तब आप वो बनते हो। तो कंटेंट क्रिएशन में ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 10 दिन में ही कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, 15 दिन में ही कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को शायद नहीं पता, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स। मेरा एक और अकाउंट है जिस पर टॉक
थिंग्स रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग एंड ऑल, उस पर भी आई एम एट 4 लाख फॉलोअर्स. बट ऐसा नहीं है कि इस अकाउंट की मैं एकदम कहीं आसमान से आई और ये अकाउंट एकदम वायरल हो गया. दैट्स नॉट द केस. आई हैव बीन क्रिएटिंग कॉन्टेंट फ्रॉम 1.5 ईयर्स फॉर माई पर्सनल ब्रांड एंड अपने बिजनेस के लिए कॉन्टेंट मैं पिछले 3 सालों से बना रही हूँ. सो इट्स अ जर्नी. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एकदम से ही सब कुछ आ जाए. और प्लस इसमें बहुत सारी हार्डशिप्स भी आती है. जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, यू नो ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मेरे फेस पर फोकस नहीं था. बट अब I kept धैर्य संयम and everything and I decided to shoot it again because it's my responsibility as a content creator कि मैं आपके लिए frequently अच्छी अच्छी videos लाती रहूँ. So अगर आप भी एक content creator बनना चाहते हो तो just know it's not easy. ये भी एक whole soul profession है. इसको ऐसे मत treat करो आपकी this is a side thing or something. This is a legit profession and जितना time आपको और चीज़ों में लगता है शायद उतना ही इसमें भी लगे. But I can bet this is way more rewarding. You get name, you get fame, you get money. What is it that you don't get? और content बनाने से सिर्फ यही नहीं कि आप reels बनाओ. Content can be of various types. अगर आप LinkedIn पे बहुत अच्छे post लिखते हो तो that is also content. Twitter पे अच्छे tweets करते हो तो then also you are a content creator. So it's not the case कि आपको reels ही बनानी है. इस सब चीज़ों के बारे में बात कि आप content creator कैसे scratch से बन सकते हो and how to gain those first few followers मैं आपको next video में ज़रूर बताऊँगी. Till then, bye bye, take care and enjoy your day if you're watching this दिन में and enjoy your night अगर if you're watching this रात में. Bye bye.